हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल से जुड़ी हुई आज कुछ अहम अपडेट हैं, जरूरी अपडेट हैं, उस पर दोस्तों मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको लगातार फ्लाइट और ट्रेवल्स की जरूरी जानकारियां दे रहा हूं, खासतौर पर सऊदी अरब, इंडिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई की। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहली अपडेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। तो पिछले 18 महीनों से कोविड-19 की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने बॉर्डर को क्लोज किया हुआ है, फ्लाइटें बंद चल रही है, कई सारे बंदिशें ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। तो अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उन सारी पाबंदियों को हटाने जा रहा है नवंबर महीने से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी को बचाना है और इसके अलावा जिंदगी को पटरी पर लाना भी है, यानी सामान्य ढंग से कारोबार को भी आगे बढ़ाना है। तो इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि नवंबर महीने से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर को ओपन कर देगा, फ्लाइटों को ओपन कर दिया जाएगा। नवंबर महीना बताया गया, तारीख नहीं बताई गई है। तो नवंबर महीना आप फर्स्ट वीक कह सकते हैं, सेकेंड वीक कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट पूरी तैयारी कर रही है कि नवंबर महीने से जनजीवन को सामान्य तौर पर पटरी पर लाया जाए, बॉर्डर को ओपन किया जाए, फ्लाइट को संचालित किया जाए। अगली अपडेट दोस्तों इंडिया की तरफ से है। तो अगले कुछ दिनों के बाद इंडिया में टूरिस्ट वीजा रिज्यूम होने जा रहा है, ओपन होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पर्यटन मंत्रालय और विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के दरमियान एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद भारत सरकार ने संकेत दिया है कि भारत टूरिस्ट वीजा को लेकर अलग अलग नियम बना सकता है अलग अलग देशों के लिए। जैसे इस तरह से नियम बनाए जाएंगे कि अगर मान लीजिए भारत का नागरिक केन्या में जाता है तो उसके लिए क्वारंटीन का क्या नियम है, पीसीआर टेस्ट का क्या नियम है और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर क्या नियम है। अगर इंग्लैंड इंडिया का आदमी जा रहा है तो उसके लिए क्या नियम बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से नियम बनाया जाएगा, जिस तरीके से नियम उस देश का होगा उसी तरीके से इंडिया में भी नियम लागू किया जा सकता है, क्वारंटीन को लेकर, पीसीआर टेस्ट को लेकर और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर। यानी अगर अगला कोई देश भारतीयों को क्वारंटीन कर रहा है तो भारत सरकार भी उनको जो वीजा देगी वो इस नियम के साथ में देगी कि वहां के आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। अगर वो 2-3-4 पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद कर रहे हैं, अराइवल पर पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, 8 दिन बाद पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, 10 दिन बाद पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक भारत सरकार भी उसी तरीके से उन देशों के नागरिकों पर भी लागू करेगी कि वहां से आने वाले लोगों को इतने दिन में पीसीआर टेस्ट होगा, इतने दिन क्वारंटीन रहना होगा। यानी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं टूरिस्ट वीजा को लेकर, ऐसे संकेत दिए भारत सरकार ने। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसा नियम कोई दूसरा देश भारतीयों के लिए बनाता है पीसीआर टेस्ट को लेकर, क्वारंटीन को लेकर और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर, तो ठीक वैसा ही नियम भारत सरकार उस देश के नागरिकों के लिए बना देगी जो भारत में आएंगे पीसीआर टेस्ट को लेकर, क्वारंटीन को लेकर और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर। तो भारत सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हो चुकी है क्योंकि इस पर काफी विवाद हुआ है, खासतौर पर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान वैक्सीन को लेकर और क्वारंटीन को लेकर। उसी के मद्देनजर भारत सरकार अब ये कदम उठाने जा रही है। अगली अपडेट भी दोस्तों भारत को लेकर ही है। तो भारत में अभी नॉर्मल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइटें सस्पेंड हैं, बंद चल रही हैं 31 अक्टूबर तक, सिर्फ एयर बबल एग्रीमेंट के तहत, इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत और साथ में ही स्पेशल अप्रूवल के तहत फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, बाकी फ्लाइटें सस्पेंड चल रही हैं 31 अक्टूबर तक। लेकिन अब भारत के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है, इस पर मंथन कर रही है, इस पर विचार कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द अब नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइटों को ओपन किया जाए। इसके बारे में गृह मंत्रालय और डीजीसीए विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द फ्लाइटों को ऑपरेट किया जाए, प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। तो जल्द से जल्द मतलब होगा दोस्तों नवंबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अब भारत के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, इस पर मंथन कर रही है कि यह पाबंदी अब हटाई जाए। अगली अपडेट दोस्तों आईटा को लेकर है। आईटा यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो एयरलाइंस कंपनियों और ट्रेवल एजेंटों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी मीटिंग होने जा रही है बोस्टन अमेरिका में 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के दरमियान। आईटा ने इस मीटिंग में नारा दिया है ट्रेवल बचाओ, यानी ट्रेवल को किस तरीके से बचाया जाए, जो पिछले 1.5 साल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, साथ में जिन देशों ने अभी तक बॉर्डर ओपन नहीं किए हैं उन देशों के साथ में किस तरह से बातचीत की जाए, कौन से स्टेप उठाए जाएं और ट्रेवल इंडस्ट्री को किस तरीके से बचाया जाए, यात्रा को लेकर क्या कुछ नियम को आसान बनाया जाए,
क्या कुछ चुनौतियां इसको लेकर तमाम देशों के साथ में कैसे बातचीत की जाए, तो इन सारे मुद्दों पर आईटा अपनी मीटिंग में चर्चा करने वाला है। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के दरमियान होगी ये मीटिंग। 2020 में ये एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो पाई थी कोविड-19 की वजह से, तो 2019 के बाद अब 2021 में ये आईटा की मीटिंग होने जा रही है। महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि अभी भी कई सारे देशों ने बॉर्डर को ओपन नहीं किया है। आईटा लगातार कोशिशें कर रहा है, कभी आईटा ट्रेवल पास को लेकर, कभी गवर्नमेंट के साथ में बातचीत को लेकर, तो हर तरीके से आईटा कोशिश कर रहा है कि जो देश अभी बचे हुए हैं जिनने बॉर्डर ओपन नहीं किए हैं, फ्लाइटों पर पाबंदी लगाई हुई है, तो उन देशों के साथ में भी किस तरीके से बातचीत की जाए और ट्रेवल इंडस्ट्री को पटरी पर वापस लाया जाए। बहरहाल दोस्तों ये कुछ जरूरी अपडेट थी। अभी भी दोस्तों सऊदी अरब को लेकर कोई नई अपडेट नहीं आ पाई है इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर, उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज इंडिया में लगवा चुके हैं। आगे दोस्तों कोई अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर, खासतौर पर इंडिया सऊदी अरब कुवैत कतर ओमान बहरीन दुबई, तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।